ना हर वो चीज़ जिसकी नोटिफिकेशन आती है उसको नोटिफिकेशन पैनल में पढ़ना होता है, उसके अपन को फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ऑन करके रखना चाहिए। मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऐप होती है अपनी नोट्स करके, क्रिप्ट नोट्स करके, उसके भी अपन ने वो करके रखे कीप नोट है ना, इसके तो इसके भी अपन को नोटिफिकेशन ऑन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ऑन करना होगा नोटिफिकेशन में रखे। उसके बाद हुआ मैसेज, ट्रू कॉलर, और भी तमाम तरह के एप्लीकेशंस होती है जिनके में नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन चाहिए होते हैं। क्योंकि जैसे हम कुछ कॉपी करें, कुछ समय के लिए आके बताएं कि हमने ये कॉपी कर लिया है, फॉर एग्जांपल ये वाला ऐप, इसके भी नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए। जैसे हम कुछ कॉपी करेंगे तो कुछ समय के लिए वो कॉपी करने का बताएगा कि हमने कॉपी कर लिया है ना। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों के हमें ऑन करने चाहिए, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन का यूज़ करना चाहिए है ना। कि फॉर एग्जांपल ये इसमें एवर नोट में इस चैट, पर्टिकुलर चैट के लिए फ्लोटिंग नोटिफिकेशन होता है, तो उसका नोटिफिकेशन में जाके फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए है ना। इस तरह से कई सारी चीज़ों का हमें नोटिफिकेशन ऑन करना चाहिए जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन दें, जिसमें जैसे कुछ जो कुछ देर के लिए आते हैं उसमें चले जाते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, कीप नोट्स हो गया, जो भी हमने रिमाइंडर ला के रखा है वो आएगा, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन देगा और चला जाएगा कुछ समय के लिए, सिर्फ सेकंड्स के लिए आता है वो, जैसे एवर नोट, चैट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी जिसका भी हो हमें करना चाहिए।